वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नौ मुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को इलेक्शन में दूसरी बार कामयाबी पर मुबारकबाद दी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक्स पर पैगाम में लिखा कि डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीकी इंतखाबात में तारीखी कामयाबी हासिल की। नई अमरीकी इंतजामिया के साथ मिलकर काम करने के ख्वाहां हैं। पाकिस्तान नई अमरीकी इंतजामिया के साथ ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम बनाने के लिए पुरअज़्म है। कहा पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान मजबूत और वसीतर शराकत दारी चाहते हैं। तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक्स पर पैगाम में ये लिखा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीकी इंतखाबात में तारीखी कामयाबी हासिल की। नई अमरीकी इंतजामिया के साथ मिलकर काम करने के ख्वाहां हैं। और पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो की डोनाल्ड ट्रंप को सदारती इलेक्शन में जीत पर मुबारकबाद। कहा यह जंग मुखालिफ फतह है, उम्मीद है अमरीका की नई इंतजामिया अमन को तरजीह देगी। अमरीकी नई इंतजामिया आलमी तनाज़ात को खत्म करने में मदद करेगी। डोनाल्ड ट्रंप 277 इलेक्टोरल वोट हासिल करके दूसरी बार अमरीका के सदर मुंतखब हो गए। कमला के हिस्से में 226 वोट आए। चार रियासतों के नतायज आना अभी बाकी हैं। ट्रंप ने सात में से चार स्विंग स्टेट्स में फतह समेटी, बाकी तीन में भी बरतरी हासिल है। रिपब्लिकन पार्टी ने व्हाइट हाउस के साथ सेनेट का कंट्रोल भी हासिल कर लिया। व्हाइट हाउस में ट्रंप की शानदार वापसी, शिकस्त के बाद दोबारा सदर बनने वाले दूसरे अमरीकी सदर बन गए। स्विंग स्टेट्स पर की गई दिन रात की मेहनत रंग ले आई। सात में से चार स्विंग स्टेट्स में ट्रंप ने मैदान मार लिया। मिशिगन, एरिजोना और निवाडा में भी ट्रंप को बढ़तरी हासिल है। रिपब्लिकन पार्टी ने व्हाइट हाउस के साथ सेनेट का कंट्रोल भी हासिल किया। 100 अरकान के ऐवान में डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी को 51 नशिस्तें मिली। ऐवान नुमाइंदगान में भी रिपब्लिकन पार्टी डेमोक्रेट से आगे है। डोनाल्ड ट्रंप अमरीका के 47वें सदर होंगे। 20 जनवरी 2025 को सदारत के ओहदे का हल्फ उठाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप की जीत पर फ्लोरिडा के शहर वेस्ट पाम बीच में रिपब्लिकन इलेक्शन हेडक्वार्टर में जश्न। डोनाल्ड ट्रंप अपनी फैमिली के साथ विक्ट्री स्पीच के लिए कन्वेंशन सेंटर पहुँचे तो हामियों उनका पुरजोश इस्तकबाल किया। नौ मुंतखब सदर ने शानदार इंतखाबी मुहिम चलाने पर अहलिया बच्चों और इलेक्शन टीम की तारीफ की। होंठों पर फातेहाना मुस्कुराहट, आंखों में दिलकश चमक। सदारती इलेक्शन में शानदार कामयाबी के बाद डोनाल्ड ट्रंप की वेस्ट पाम बीच कन्वेंशन सेंटर में विक्ट्री स्पीच के लिए फातेहाना एंट्री। डोनाल्ड ट्रंप अपनी अहलिया मेलानिया और फैमिली अरकान के साथ स्टेज पर पहुंचे। हामियों ने जश्न मनाया। कन्वेंशन सेंटर नारों से गूंज उठा। डोनाल्ड ट्रंप इंतखाबी मुहिम में साथ देने पर अहलिया मेलानिया और खानदान के दीगर अफराद की तारीफें करते नजर आए। My amazing children. Everybody here thinks their children are amazing, but we miss very much Melania's mother. नौ मुंतखब नायब सदर जे डी वेंस, उनकी अहलिया और ट्रंप की इंतखाबी टीम भी स्टेज पर मौजूद थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नौ मुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को इलेक्शन में दूसरी बार कामयाबी पर मुबारकबाद दी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक्स पर पैगाम में लिखा कि डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीकी इंतखाबात में तारीखी कामयाबी हासिल की। नई अमरीकी इंतजामिया के साथ मिलकर काम करने के ख्वाहां हैं। पाकिस्तान नई अमरीकी इंतजामिया के साथ ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम बनाने के लिए पुरअज़्म है। कहा पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान मजबूत और वसीतर शराकत दारी चाहते हैं। तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक्स पर पैगाम में ये लिखा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीकी इंतखाबात में तारीखी कामयाबी हासिल की। नई अमरीकी इंतजामिया के साथ मिलकर काम करने के ख्वाहां हैं। और पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो की डोनाल्ड ट्रंप को सदारती इलेक्शन में जीत पर मुबारकबाद। कहा यह जंग मुखालिफ फतह है, उम्मीद है अमरीका की नई इंतजामिया अमन को तरजीह देगी। अमरीकी नई इंतजामिया आलमी तनाज़ात को खत्म करने में मदद करेगी।